हेलो, वेलकम दोस्तों टू निफ्टेक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। क्योंकि मैं बार बार बोलते हूँ, आप लोग आते हो, व्यू रहता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। सब्सक्राइब किया करो यार। तो पॉइंट ये है कि हाँ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का करंट सिचुएशन और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में। सो करंट सिचुएशन निफ्टी इज टुडे, तो आज मार्केट काफी वोलेटाइल था। हम लोग जैसे देखे, जो भी हाथ डाला होगा उसके भी उसका ही हाथ जला होगा, क्योंकि व्हाट वी एक्सपेक्टेड इट वाज कम्प्लीटली नॉट कम्प्लीटली सेम एंड नॉट कम्प्लीटली डिफरेंट, आई कैन से, बिकॉज ऑल वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग दैट बैंक निफ्टी हैड ए ब्रेकआउट, बट बैंक निफ्टी उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम। इट हैज लोअर वॉल्यूम एंड कॉन्सिक्वेंटली बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी बोथ बोथ गिर गया। और जब गिरा तो काफी मात्रा में गिरा, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे सपोर्ट लेगा। एक तो यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, ठीक है, वी थॉट दैट यहाँ पे हम लोग एक बाय कॉल ले, लेकिन अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसके बाद लगा यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन अगेन नहीं लिया। तो आफ्टर दैट यहाँ पे आके फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड इसके बाद थोड़ा सा जाके साइडवेज हो गया मार्केट। सो मार्केट आज काफी वोलाटाइल था, तो कोई भी ट्रेड ठीक से, आई थिंक हम लोग थोड़ा सा लॉस किए आज। तो अराउंड मीन्स दो कॉल लिए थे और दो कॉल ही लॉस था, और थर्ड कॉल लेने का हम लोग को कुछ, हम लोग सोच रहे थे कि इट माइट बी ए बिग फॉल, तो एंड वी लॉस्ट द होप एक्चुअली एंड लेफ्ट इट। सो अल्टीमेटली मार्केट का क्या सिनेरियो है अभी अगर देखेंगे, दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी एक्चुअली ऑब्जर्व बिफोर मार्केट फॉल्स। ओके, अभी मार्केट को गिरना है, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू माय चार्ट आल्सो इट इज शोइंग दैट मार्केट हैज टू फॉल, ठीक है। मार्केट गिरने का पहले ऐसा वोलेटाइल रहता है, ठीक है, प्रोबेबली दिस वीक और नेक्स्ट वीक देयर विल बी ए फॉल, ठीक है। तो मेरा चार्ट भी, चार्ट के हिसाब से भी मैंने पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे फॉल होगा, हो सकता है देयर माइट बी अ ट्रेंड रिवर्सल बिकॉज इट इज क्रिएटिंग डाइवर्जेंस अगेन, बट इफ इट क्रॉसेस दिस डाइवर्जेंस, ओके, देन इट विल बी वेरी बुलिश एंड मार्केट कैन गो अप टू मीन्स रिकॉर्ड हाई अगेन। ओके, इट कैन क्रॉस अप टू, इट कैन रीच अप टू 15K। ओके, सो 1500 भी, 15,000 भी पहुंच सकता है। तो पॉइंट ये है कि अभी वेट एंड वॉच, कल का मार्केट भी ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा, आई बिलीव सो। ऐसे ही कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, सो इट्स बेटर टाइम, इट्स द टाइम टू टेक द पोजिशनल कॉल रेदर देन द ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग। सो आई विल लेट यू नो टुमारो क्या सिचुएशन है उसका बेसिस में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 14,300 तक पहुंच जाएगा आज और कल मिलके, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दोस्तों। मैंने इनिशियली जो बोला था लेवल 14,200, आई थिंक दैट विल बी द लेवल 14,250 मैक्स टू मैक्स टुमारो, उससे ज्यादा तो नहीं दिख सकता। इवन अगर हम लोग फ्यूचर को भी देखेंगे, फ्यूचर भी उसी रेंज में खेल रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा 26 पॉइंट्स गिर चुका है निफ्टी फ्यूचर में। तो ओवरऑल वी कैन से कि मार्केट का कंडीशन जैसा है अभी, इट्स नॉट वर्थी एनफ टू टेक एनी गुड ट्रेड टुमारो, जस्ट वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि कल भी मार्केट ऐसे वोलेटाइल रहेगा, आई बिलीव सो, ठीक है। परसों उसका बाद हम लोग कुछ पोजिशनल कॉल ले सकते हैं, डोंट टेक एनी इंटरडे कॉल राइट नाउ। ओके, अगर कल का सिचुएशन देख के पता चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है, तो कल देखते हैं क्या होता है कल, और मेजरली फ्राइडे और भी अच्छे से पता चलेगा क्या होगा, ठीक है। सो इफ इट ब्रेक्स देन इट विल बुलिश, एंड इफ इट डजंट ब्रेक द डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस, इट विल बी बियरिश, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग स्टोकस्टिक को भी देखेंगे, स्टोकस्टिक नहीं छोड़ दो, अब ये को देखो, एडीएक्स को देखो, एडीएक्स का रुझान नीचे का तरफ है। सो कर्ण से अभी आरएसआई मुझे तो लग रहा है अभी साइडवेज ही रहेगा, मतलब कल थोड़ा वोलाटाइल रह सकता है, उसका बाद साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। तो
इवन ATR भी आपको डाउनवर्ड ही दिखा रहा है, तो मार्केट साइड वैसे इधर ही वोलाटाइल रहेगा, वो काफी वोलाटाइल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में हाथ डालना मतलब हाथ जलना है, ठीक है। इसको ये रुझान को जब ऊपर ही आएगा तभी तभी जाके ट्रेड करके फायदा है। देखते कल वोलाटाइल रहता है ना, क्या क्या दिखाता है। आई बिलीव थोड़ा वोलाटाइल कल भी रहेगा यहाँ तक, और उसका बाद थोड़ा सा आप मूव आ सकता है इसका ATR का, एंड एट द टाइम इट मे फॉल। ओके, सो कल अगर थोड़ा सा आप मूव कर लिए, स्टार्ट कर दिया ये, तो उसका बाद यहाँ पे फॉल आ सकता है। तो मे बी विल वॉच एंड वेट एंड वॉच यस टुमारो, एंड आफ्टर दैट विल टेक ए कॉल। ओके, सो बेटर डोंट पुट योर हैंड ऑन द हॉट मार्केट राइट नाउ। एक्चुअली इट्स अ वेरी 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 हॉट मार्केट एंड एक्सट्रीमली ओवरबॉट मार्केट, ठीक है। तो मार्केट भी ओवरबॉट तो दिख ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत गिरना चाहिए, करेक्शन जरूरी है, लेकिन आई डोंट नो कब तक आएगा। लेकिन हाँ, आई बिलीव ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्रॉस करके ये लाइन, तो एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा मार्केट। लेट्स सी कल क्या बिहेव करता है, अकॉर्डिंगली वी विल टेक ए कॉल। और बाकी एंजॉय करो, ठीक है। घर पे सबको सबका साथ बना के रखो, ऐसा एकदम दुखी मत हो जाना। हाँ, लॉस तो होता ही है कभी कभार हम लोग को, मार्केट में प्रॉफिट भी जब होता है लॉस भी होता है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ, ठीक है। जो तो एंजॉय करो और घर पे ढंग से रहना, और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज वेदर इज चेंजिंग, सो एनीथिंग मे हैपन। ओके, और एक बात, कि अगर वीडियो आप लोग को डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लीज नीचे दिए हुए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इससे आपको रेफरल बोनस भी मिल जाएगा, और जीरोधा इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है, तो यू कैन डू ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग फ्रॉम देयर। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। ओके।